Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to learn English subject. हम आज देखेंगे chapter 1 और chapter 3 के right और wrong. I hope आप सबको stories याद है ना? तो चलो अब हम right और wrong करेंगे. First है, John and Kelly live by the countryside. क्या वो countryside में रह रहे थे? Yes. John and Kelly live in the forest. क्या वो forest में रह रहे थे? जंगल में रह रहे थे? No, वो forest में नहीं रह रहे थे. वो कहाँ पर रह रहे थे? Countryside, यानी river side के पास. Okay. Next है, John and Kelly study in the same class. क्या वो दोनों एक ही class में पढ़ते थे? Yes, वो दोनों एक ही class में पढ़ते थे. John and Kelly study in different classes. क्या वो डिफरेंट क्लास में पढ़ते थे? नो. ओके, दे गो टू स्कूल बाय द स्कूल बस. क्या वो स्कूल बस में जाते थे? नो. दे वॉक टू स्कूल. वो कैसे जाते थे? चलकर. कैसे जाते थे? चलकर. दे होप जंप एंड लाफ व्हाइल वॉकिंग टू स्कूल. क्या वो लोग मस्ती करते करते जंप करते हंसते हुए स्कूल जाते थे? यस. दे क्राई व्हाइल गोइंग टू स्कूल. क्या वो रोते रोते स्कूल जाते थे? नो. क्या आप स्टूडेंट्स आप भी रोते रोते स्कूल आते हो? है ना, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, ऐसा कभी बोलते हो मम्मी से? नहीं ना, आप भी लाफ करते करते आते हो ना स्कूल? यस. नेक्स्ट है, दे एंजॉय गोइंग टू स्कूल. क्या वो स्कूल आना पसंद करते थे? यस. दे हेट गोइंग टू स्कूल. क्या वो स्कूल आना पसंद नहीं करते थे? नो. स्टूडेंट्स ये ऑपोजिट वर्ड हो गया हेट और एंजॉय. हेट मतलब नफरत हो जाना, मतलब पसंद नहीं करना, दैट इज हेट. और एंजॉय मतलब एंजॉय करना मीन्स खुश हो जाना वो चीज से, है ना. तो एंजॉय और हेट वो दोनों क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए, है ना. चलो अब हम चैप्टर नंबर 3 के राइट रॉन्ग करेंगे. हमने चैप्टर 1 के कर लिए है, 2 में राइट रॉन्ग है ही नहीं, है ना. ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 में राइट रॉन्ग है ही नहीं. अब हम करेंगे चैप्टर 3, अमील डे सलमान वाला. आपको ये लेसन याद है ना? ओके, वो एनिमल के कॉस्ट्यूम पहन कर आते, उसकी मम्मी आती है ना, तो वो हम उसके राइट रॉन्ग करेंगे. चलो फर्स्ट है, सलमान डिड नॉट लाइक टू टेक बाथ. क्या उसे नहाना पसंद नहीं था? नो. सलमान डिड नॉट लाइक टू ईट फूड. यस, उसे खाना खाना पसंद नहीं था, है ना. यस. सलमान्स फ्रेंड्स विजिटेड हिम व्हेन ही वाज सिक. क्या सलमान के फ्रेंड्स उसे मिलने आते थे जब वो बीमार था? नो. सलमान वॉज ऑल अलोन एट हिज होम व्हेन ही वॉज सिक. वो जब बीमार था तब वो घर पर अकेला रहता था. यस, वो घर पर. नाउ थर्ड वन, द मंकी ब्रॉट सूप एंड फ्राइड राइस फॉर हिज लंच. मंकी लंच में सूप और फ्राइड राइस लेकर आया था. यस, लंच में वो क्या लेकर आया था मंकी? सूप और फ्राइड राइस. द मंकी ब्रॉट सूप एंड फ्राइड राइस फॉर डिनर. क्या वो डिनर में सूप और फ्राइड राइस लेकर आया था मंकी? नो. डिनर टाइम पर कौन आया था? एलिफेंट आया था. और एलिफेंट क्या लेकर आया था? एग और चपाती. लंच टाइम पर कौन आया था? मंकी आया था. और डिनर टाइम पर कौन आया था? एलिफेंट. यस. नेक्स्ट इज, द एलिफेंट कैरीड द फूड ट्रे विथ इट्स टेल. टेल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जो पूंछ होती है उसे क्या कहते हैं? टेल. तो क्या वो अपनी पूंछ से, अपनी टेल से फूड ट्रे लेकर आया था? नो. है ना, द एलिफेंट कैरीड द फूड ट्रे विथ इट्स ट्रंक. वो ट्रंक यानी लॉन्ग नोज, है ना, वो अपनी नोज में लेकर आया था. ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? राइट. ओके, सलमान्स मदर ड्रेस अप इन द एनिमल कॉस्ट्यूम. क्या सलमान की मम्मी ने वो सारे कॉस्ट्यूम पहने थे? वो कॉस्ट्यूम
पहनकर क्या उसकी मम्मी तैयार हुई थी? यस, कौन तैयार हुई थी? उसकी मम्मी, है ना। सलमान फादर ड्रेस अप इन द एनिमल कॉस्ट्यूम, क्या वो एनिमल कॉस्ट्यूम पहनकर उसके पापा आए थे? नो, कौन आया था? उसकी मम्मा। कौन आया था? मम्मा। ओके, आपको पता चला ये राइट रॉन्ग? याद आया? ओके, थैंक यू।